Good morning, friends. Today I am going to talk on genetic code. Genetic code, as you know, that is it is related with the genes. हमारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब किस बात पे डिपेंड करते हैं कैरेक्टर्स कि कौन से जीन्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं। जैसे किसी की आंखें आप देखते हैं नीली होती हैं, किसी की आंखें काली होती हैं, कोई लंबा होता है, कोई थोड़ा छोटा होता है, तो ये सब के सब डिफरेंट बॉडी कैरेक्टर्स हैं एंड ऑल दीज बॉडी कैरेक्टर्स डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक काइंड ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। और ये जीन्स सबके सब यदि प्रोकैरियोट्स है तो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यदि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जीन्स कैसे काम करते हैं, दैट वो उस मैकेनिज्म को कि वो अपने अपने अंदर के इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ये प्रोटीन कैसे कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है। जैसे किसी के बाल घुघराले हैं, किसी के बाल सीधे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, उसकी वजह से किसी के बाल घुघराले हो सकते हैं या किसी की आंखें नीली हो सकती हैं। तो अब ये प्रोटीन की सिंथेसिस और जीन्स के बीच क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को समझने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसको सर्च किया गया और उस लैंग्वेज को जो कि न्यूक्लियोटाइड के लैंग्वेज को फाइनली अमीनो एसिड के लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। अब ये जेनेटिक कोड को समझने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक जेनेटिक्स को भी समझना पड़ेगा। एज वी नो दैट आवर जेनेटिक सिस्टम इज मेड ऑफ डीएनए, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है डीएनए, और सपोज कि यहाँ से यहाँ तक कोई जीन प्रेजेंट है। अब ये जीन जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगा वो किस चीज़ का बना होगा, चार अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बने होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। इनका सीक्वेंस डिसाइड करेगा कि वो जीन कौन से प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। लेकिन ये सीक्वेंस इन्हीं चार न्यूक्लियोटाइड से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन विल डिसाइड, और जबकि इससे जो प्रोटीन बनेगा वो एक्चुअली कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा। और ये प्रोटीन किस चीज़ के बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तब हम इनको पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कहना शुरू करते हैं। वी नो दैट देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 20 अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि एलानिन है, ग्लाइसिन है, हिस्टिडीन है, ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, तो इस तरीके से 20 अलग टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं। जबकि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं, दीज आर टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड कौन से अमीनो एसिड को तय करेगा कि इस सीक्वेंस में आना है, इस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच गवर्न्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन। तो यदि एडेनिन हम मान लेते हैं एलानिन को तय करता है, गुआनिन ग्लाइसिन को तय करता है, साइटोसिन वैलिन को तय करता है, दीज आर डिफरेंट अमीनो एसिड्स, और थायमिन हिस्टिडीन को तय करता है, तो बाकी जो दूसरे अब बच गए, ये तो चार अमीनो एसिड्स हुए और चार न्यूक्लियोटाइड्स से तय हो गए, बाकी जो दूसरे अमीनो एसिड्स अभी भी 16 बच गए हैं 20 में से, वो कौन तय करेगा, दिस वॉज द क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरा ऑप्शन दिया गया कि इट मे बी कि चार दो न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के एक अमीनो एसिड को तय करेंगे। तो यदि दो न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के एक अमीनो एसिड को तय करेंगे तो जो हमारे पास पॉसिबल कोड बनेंगे वो टोटल होंगे 16
16 पॉसिबल कोड्स होंगे। यदि दो न्यूक्लियोटाइड सपोज ए और जी मिलकर के किसी एक न्यूक्लियो अमीनो एसिड को तय करें, जी और सी मिलकर के किसी दूसरे अमीनो एसिड को तय करें, तो 16 अलग प्रकार के कोड्स पॉसिबल हैं। अभी भी जबकि हमारे पास है 20 अमीनो एसिड्स टोटल में, तो ये दो न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के भी 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए कोई कोड तय नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन आया कि पॉसिबली तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के 4 × 4 × 4 ला प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 64 कोडॉन्स पॉसिबल है और हमारे पास है 20 अमीनो एसिड्स। तो ये 64 कोडॉन से पॉसिबल है कि 20 अमीनो एसिड्स को कोड किया जा सके। तो इस तरीके से ये जो कोडिंग सीक्वेंसेस बन रहे हैं, कोडॉन्स बन रहे हैं और जो कि फाइनली अमीनो एसिड को तय करेंगे, इस पूरे फेनोमेनन को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो इस जेनेटिक कोड के बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसका क्या नेचर होता है, इसमें कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन एनी प्रोटीन, और वही प्रोटीन डिसाइड करेगा कि हमारे अंदर कौन सा करेक्टर डेवलप होगा। ऑलरेडी मैं अपने पुराने लेक्चर में बता चुका हूँ कि सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं। ये इनफैक्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फाइनली प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन मूव करती है फ्रॉम 4 न्यूक्लियोटाइड्स, दिस इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स दैट हाउ द इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फाइनली अकॉर्डिंग टू आरएनए प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। तो डीएनए, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज एडेनिन, गुआनिन। दिस आरएनए इज मेड ऑफ अगेन 4 न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये तो तीन डीएनए में जैसे प्रेजेंट होते हैं वैसे आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए और आरएनए में एक मेजर डिफरेंस है कि थायमिन की जगह आरएनए में एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेसिल। साथ में भी बता दूं कि डीएनए जहां डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए में प्रेजेंट होगा, वही सीक्वेंस, वही कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स एमआरएनए में भी प्रेजेंट होंगे, एक्सेप्ट दैट इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड और दूसरी बात थायमिन की जगह यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से डीएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए को ट्रांसफ़र की जाती है और ये आरएनए फाइनली साइटोप्लाज्म में जा कर के प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। यहाँ पे एक इंसुलिन हार्मोन के प्रोटीन का सीक्वेंस दिया हुआ है कि कैसे ये जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं वो एक के बाद एक अरेंज होते हैं और ये अरेंजमेंट डिपेंड करता है कि इस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डीएनए में क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली आरएनए बनेगा, उसी के अकॉर्डिंगली प्रोटीन बनेगा। और फाइनली यू नो कि यदि ये इंसुलिन हार्मोन बना तो इसका फंक्शन क्या होगा, टू लोअर द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है और ये इन्फॉर्मेशन जिस कोड में फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में अब हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो जेनेटिक कोड इज़ द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए और एमआरएनए में प्रेजेंट है, इन द डीएनए आर इट्स आरएनए ट्रांसक्रिप्ट एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन, जेनेटिक कोड उसको बोलते हैं जो कि डीएनए या एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जो प्रेजेंट है वो ही सीक्वेंस अमीनो एसिड में फाइनली कन्वर्ट होता है इनके साथ प्रोटीन्स, और जिन रूल्स के द्वारा ये गवर्न किया जाता है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। अब जैसे मैंने बताया कि
दिस जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. ट्रिपलेट मीन्स जैसे यू 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 है तो ये किस अमीनो एसिड को डिजिग्नेट करेगा? फिनाइलएलानिन को, PHE, फिनाइलएलानिन. इसी तरीके से अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग ये ट्रिपलेट कोड्स होंगे, तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होंगे. कोडॉन उसको बोलते हैं, इज अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट कोड्स फॉर ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड. जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करे, तीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसको हम बोलते हैं कोडॉन. तो जेनेटिक कोड इज द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन DNA एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स. DNA के सीक्वेंस और प्रोटीन के अमीनो एसिड के सीक्वेंस को जो रूल्स गवर्न करते हैं उनको जेनेटिक कोड बोलते हैं. और कोडॉन उस ट्रिपलेट को बोलेंगे जो कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को डिजिग्नेट करेगा. और ये पूरा का पूरा काम जो इतना कॉम्प्लेक्स था, जिसको हम क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड बोलते हैं, और इससे लगा कि अब इंसान, ये सबसे बड़ी खोज थी. जैसे एटॉमिक थ्योरी आप जानते हैं, उसी तरीके की ये बायोलॉजी में खोज थी जेनेटिक कोड. इस काम को करने वाले जो साइंटिस्ट थे उसमें मेनली इन्वॉल्व थे मार्शल नीरेनबर्ग, हरगोविंद खुर्राना इंडियन साइंटिस्ट थे, और फ्रांसिस क्रिक जो कि DNA के स्ट्रक्चर को भी दिए थे, आपको पता है, सिडनी ब्रेनर, और भी ढेर सारे साइंटिस्ट थे. इन्होंने 1961 में पहली बार जेनेटिक कोड को क्रैक किया. और फाइनली इनके काम के इम्पोर्टेंस को देखते हुए 1968 के आसपास ज़्यादातर साइंटिस्ट को, इनमें से जो इन्वॉल्व थे मेनली, उनको नोबेल प्राइज दिया गया. नाउ आफ्टर डिफाइनिंग द जेनेटिक कोड एंड कोडॉन, वी विल गो to understand the what are the rules which governs the genetic code. वो कौन से rules हैं जो कि genetic code को govern करते हैं, वो कौन सी characteristics हैं. तो ये main features genetic code के यहाँ पर दे रखा हूँ. Genetic code is triplet, it is non-overlapping, it is comma-less, it is degenerate, unambiguous, ordered, it has start and stop codons or universal. इनके बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे कि ट्रिपलेट का क्या मतलब हुआ, नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब हुआ, कॉमालेस का क्या मतलब हुआ, डीजनरेट से हम क्या समझ सकते हैं, अनएम्बिगुअस, ऑर्डर्ड, स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं, यूनिवर्सल क्यों का. सो फर्स्ट वी विल टेक द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ शुरुआत में कि जेनेटिक इज ट्रिपलेट बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA, या उसी का दूसरा जो पार्ट है DNA, दोनों को ही हम 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस बोलेंगे, जो कि एक अमीनो एसिड को तय करता है इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन. अब चूंकि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और केवल हमारे पास चार ही बेस हैं DNA और RNA में, चार अलग अलग प्रकार के बेस हैं, इसलिए ये संभव नहीं हो सकता था कि एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को तय करे, क्योंकि इस प्रकार से केवल चार ही अमीनो एसिड तय कर पाते हैं. और यदि हमने दो न्यूक्लियोटाइड का कोड बनाते तो केवल 16 पॉसिबल कोडॉन्स बनते, उस स्थिति में केवल हम 16 अमीनो एसिड्स को ही कोड कर पाते. तो फाइनली ये तय हुआ कि इनफैक्ट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, 4 × 4 × 4. इसकी वजह से हमको 64 पॉसिबल कोडॉन्स मिलते हैं जो कि अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं. और ये फाइनली एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा भी प्रूव किया गया कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. डिटेल में हम किसी दूसरे लेक्चर में इसको समझाएंगे कि ये कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे कि प्रूफ हुआ कि देयर इज नो पंक्चुएशन बिटवीन द जेनेटिक कोड. मीन्स एक बार यदि जेनेटिक कोड का सीक्वेंस शुरू होता है, सपोज दिस इज द सीक्वेंस ऑफ, कहने का मतलब ये कि यदि ये ABCDEFG डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो इनके बीच कोई कामा नहीं रहता है, ना कोई ऑब्लिग होता है, ना कोई गैप होता है. ऐसा भी नहीं कि थोड़े थोड़े दूर पर ये तीन तीन न्यूक्लियोटाइड सटे रहेंगे, जैसे इस तरीके से हो सकता है कि AUG फिर थोड़ा गैप दे करके और नेक्स्ट हुआ CCG. ऐसा नहीं होता है, बल्कि न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड इन ए लीनियर फैशन इन दिस वे, और इनके बीच किसी प्रकार का कोई कामा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशंस नहीं होते हैं. इसलिए इसको कहा गया है कि जेनेटिक कोड इज हैज़ नो पंक्चुएशन, आर जेनेटिक कोड इज़
comma less. Suppose this is the coding sequence C U C A G C G U U. तो C U C leucine को designate करता है, A G C serine को designate करता है, G U U valine को, ऐसे ही threonine को designate करता है. अब किसी तरीके से हमने क्या किया कि C को यहाँ से कट करके निकाल दिया इस सीक्वेंस से, C was cut down. तो अब जो जेनेटिक कोड का सीक्वेंस तय होगा वो जस्ट इसके बाद से होगा. अब ये तीन एक कोड को तय करने लगेंगे, फिर ये तीन एक कोड को तय करने लगेंगे, फिर ये तीन एक कोड को तय कर लेंगे. यहाँ देखिए आप यू सी ए, यू सी ए अब एक कोडॉन बन गए, फिर जी सी जी दूसरा कोडॉन बन गया, फिर यू यू ए तीसरा कोडॉन बन गया. अब जब कोडॉन अलग हो गए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज कर गया, तो अमीनो एसिड सीक्वेंस भी चेंज कर गया, सीरीन आ गया यू सी ए के द्वारा, जी सी जी एलानिन आ गया, फिर ल्यूसीन आ गया, फिर प्रोलिन आ गया. तो एक न्यूक्लियोटाइड के केवल चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा अमीनो एसिड सीक्वेंस ही बदल गया, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. बाय द वे यदि कोई दो न्यूक्लियोटाइड्स कट हो जाते हैं यहाँ से, अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ से शुरू होगा, सी ए जी, फिर सी जी यू, फिर यू ए सी. यहाँ पे आप देखिए सी ए जी सी जी यू यू ए सी, और फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तैयार हो गया. तो इस तरीके से एक एक न्यूक्लियोटाइड आप हटाते जाएंगे तो उसी जीन सीक्वेंस से हम अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड सीक्वेंस पाएंगे और ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स होंगे. तो एक केवल न्यूक्लियोटाइड बदल जाने से आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा अमीनो एसिड सीक्वेंस बदल जाएगा और इसी हिसाब से उस प्रोटीन का नेचर बदल जाएगा. इस प्रकार के म्यूटेशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट कर गया जेनेटिक कोड का. इससे इसके इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं. और ये कोई भी सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर के लिए, जहां से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा वहीं से तीन तीन के ब्लॉक में चूज किया जाएगा. दिस प्रूव्स दैट देयर इज नो कॉमा, नो फुल स्टॉप, नो ऑब्लिक इन बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स. और इससे प्रूव होता है कि जेनेटिक कोड इज कॉमालेस. अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं जेनेटिक कोड के, कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग. नॉन ओवरलैपिंग मींस कि सपोज दिस इज द सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड्स. अब यह संभव है कि ए यू जी से एक अमीनो एसिड तय हो जाए, दिस वन ए यू जी फर्स्ट अमीनो एसिड का कोडॉन हो गया, फिर यू जी सी से दिस यू जी सी विल बी सेकेंड अमीनो एसिड कोडॉन, फिर जी सी सी से थर्ड अमीनो एसिड आ गया, फिर सी सी यू से फोर्थ अमीनो एसिड आ जाएगा. तो इस तरीके से एक के बाद एक, केवल एक एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड हट जाएगा और दूसरे बाकी एक नया न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा और एक अमीनो एसिड को तय कोडॉन को तय कर देगा. ये पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए यू जी फर्स्ट अमीनो एसिड को तय करे, अमीनो एसिड नंबर वन, फिर जी सी सी ए यू जी फर्स्ट अमीनो एसिड को तय करे, फिर सी सी यू दूसरे अमीनो एसिड को तय करे, फिर जी जी सी तीसरा अमीनो एसिड तय करे. तो इस तरीके से पहला अमीनो एसिड का कोडॉन हो गया, दूसरे अमीनो एसिड का कोडॉन हो गया और तीसरे अमीनो एसिड का कोडॉन हो गया. तो यहाँ पे जो सिस्टम में मैंने बताया आपको, इसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग, क्योंकि ये दो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर भी यूज़ हो रहे हैं, यू जी, और यहाँ भी यूज़ हो रहे हैं. तो इसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग, ओवरलैप कर रहा है. जबकि यहाँ पे एक बार यदि ये न्यूक्लियोटाइड्स एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए तय हो गए तो अब दूसरा दूसरा कोडॉन जो है यहाँ से बनेगा, तीसरा कोडॉन अब
यहाँ से बनेगा न्यूक्लियोटाइड के लिए। तो इतने लंबे सीक्वेंस से केवल तीन ही अमीनो एसिड तय हो सकते हैं, जबकि इसके अकॉर्डिंगली और भी ज़्यादा अमीनो एसिड तय कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, मीन्स दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिक कोड के, कि जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मीन्स इट इज़ वेरी मच क्लियर, बहुत ही अस्पष्ट है। अनएम्बिगुअस मीन्स अस्पष्ट है कि एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो एसिड को डिजिग्नेट करेगा। जैसे यदि कोडॉन है यू यू यू, तो इट विल ऑलवेज डिजिग्नेट फिनाइल एनानिन, PHEN, फिनाइल एनानिन अमीनो एसिड को ही डिजिग्नेट करेगा। ये कहीं पर भी हो, किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में प्रेजेंट हो। यदि जी यू यू है तो ये हर जगह एक दूसरे अमीनो एसिड को डिजिग्नेट करेगा, आई थिंक इट इज़ वैलिन। तो हर एक कोडान हम फिक्स है, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल हो, प्लांट हो, स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो, लार्ज ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, एवरीवेयर दैट कोडान विल ऑलवेज डिजिग्नेट द सेम अमीनो एसिड। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं अनएम्बिगुअस। देर इज नो एम्बिग्युटी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए कोड स्पेसिफिक कोडान एंड ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड। लेकिन केवल दो ऐसी सिचुएशन है जहां पर कि थोड़ी सी एम्बिग्युटी देखी जाती है, उसका अपना विशेष कारण है। देर आर टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस वेयर एम्बिग्युटी इज टॉलरेटेड। पहला है AUG। AUG नॉर्मली तो मीथोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है, लेकिन AUG इज ऑल्सो ए कोडान विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएट करने में भी AUG कोडान की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से एक दूसरा मॉडिफाइड अमीनो एसिड है सेलेनोसिस्टीन, ये जहाँ पे इंसर्ट होना होता है वहाँ पे UGA कोड विच इज़ रिकग्नाइज एज टर्मिनेशन कोडान, जो कि नॉर्मली तो टर्मिनेशन कोडान की तरह से काम करता है, लेकिन यदि ये बीच में आता है तो सेलेनोसिस्टीन अमीनो एसिड को इंसर्ट किया जाएगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ही ये एम्बिग्युटी देखने को मिलती है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड इज जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट मीन्स द जेनेटिक कोड दो There is no ambiguity means एक कोडान हमेशा एक अमीनो एसिड को डिजिग्नेट करेगा, लेकिन डीजेनरेसी का मतलब ये होता है कि यदि एक कोई अमीनो एसिड है तो वो एक से ज़्यादा कोडान से भी डिजिग्नेट किया जा सकता है। ये डीजेनरेसी इसलिए आती है क्योंकि जैसा हम लोगों ने पहले देखा था कि जो पॉसिबल कोडांस बन रहे हैं ट्रिपलेट कोड की वजह से वो 64 है, और हमारे पास केवल 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं। तो यदि 20 अमीनो एसिड्स 20 डिफरेंट कोडान से तय होंगे तो हमारे पास 44 कोडान्स बच जाएंगे जो कि किसी अमीनो एसिड को तय नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखिए देयर आर 64 पॉसिबल ट्रिपलेट्स और केवल 20 अमीनो एसिड हमारे पास है। उसमें से हम मान लेते हैं कि तीन और निकल गए, वो जो कि स्टॉप कोडान का काम करते हैं, टर्मिनेशन कोडान का काम करते हैं, स्टॉप कोडान। तो स्टॉप कोडान तो अभी भी हमारे पास माइनस तीन के बाद बचे 41 कोडान्स। ये 41 कोडान्स का काम क्या होगा? तो 41 कोडान्स यदि रहेंगे और सबके सब स्टॉप कोडान का काम करने लगे, यदि उस पर कोई अमीनो एसिड उसको डिजिग्नेट नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो स्टॉप कोडान का काम करने लगेंगे, टर्मिनेशन कोडान का काम करने लगेंगे। तो चूंकि संख्या इनकी ज़्यादा होगी तो कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस पूरी हो ही जल्दी नहीं पाएगी, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं ऐसा कोई कोडान आ जाएगा जो इस 41 में से कोई होगा और वहीं पर इमेच्योर प्रोटीन या फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस बंद हो जाएगी। तो इसको जब रिसर्च किया गया तो पाया ये गया कि एक
एक कोडान तो एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, लेकिन एक अमीनो एसिड मे बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडान। मोर देन वन कोडान मींस फिनाइल एलानिन का एक कोड है यू यू यू, लेकिन इसका कोई दूसरा कोड भी पॉसिबल है। तो रिसर्च के बाद जो प्रेजेंट परिस्थितियां हैं उसमें पाया ये गया कि 20 अमीनो एसिड में से 18 अमीनो एसिड्स का एक से ज़्यादा कोडान होता है, टू या टू उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे ल्यूसीन है, आर्जिनिन है, सीरीन है, ये इसके 6 कोडान्स पॉसिबल है। नॉर्मली तो एक अमीनो एसिड को एक कोडान को डेजिग्नेट करना चाहिए, लेकिन ल्यूसीन, आर्जिनिन और सीरीन को 6 कोडान्स डेजिग्नेट करते हैं, मतलब 6 पॉसिबल कोडांस उनके हो सकते हैं। उसमें 6 में से कोई एक भी रहेगा तो वहाँ पे ल्यूसीन आ सकता है। तो कोडांस दैट स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड आर कॉल्ड सिनोनिम्स। वो कोडांस जो कि एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे उसको हम बोलते हैं, हम यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे हेयर आप देख रहे हैं फिनाइल एनानिन, ये इसके 2 पॉसिबल कोडांस है, यू 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 रहेगा तो भी फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड आ जाएगा, और यू यू सी रहेगा तो भी फिनाइल एलानिन आ जाएगा। जैसे हम सीरीन को लेते हैं तो सीरीन के यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, यू सी यू भी सीरीन को कोड करेगा, यू सी सी भी सीरीन को कोड करेगा, यू सी ए रहेगा तो भी सीरीन को कोड करेगा, और यू सी जी भी रहेगा तो भी सीरीन को कोड करेगा। तो एक ही अमीनो एसिड के कितने हो गए, यू सी यू से भी कोड किया जा सकता है, यू सी सी से भी कोड किया जा सकता है, यू सी ए से भी कोड किया जा सकता है, और यू सी जी से भी कोड किया जा सकता है। उस तरीके में मतलब कि एक अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडान, और इस सिचुएशन को बोलते हैं डीजेनरेसी या डीजेनरेट। अब ये चूंकि सारे के सारे कोडांस एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, तो यू सी यू, यू सी सी, यू सी ए एंड यू सी जी, यू सी जी विल बी टर्म्ड एज सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स जिसका एक ही अर्थ निकले, और एक अर्थ क्या निकल रहा है, सीरीन। इसी तरीके से आप यहां देखेंगे कि हिस्टिडीन के लिए 2 हैं। सो इन दिस वे डिफरेंट अमीनो एसिड्स, डिफरेंट अमीनो एसिड्स मीन्स 18 अमीनो एसिड्स के एक से ज़्यादा कोडान पॉसिबल हैं, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डीजेनरेट। नाउ अब ये डीजेनरेसी के अपने फायदे भी हैं। वो फायदा ये है कि फिर हम उसी पे आते हैं कि बाय द वे यदि कहीं म्यूटेशन होता है, सपोज अब हम बात करते हैं प्रोलिन की, प्रोलिन इन सारे कोडान से डिजिग्नेट होता है। बाय द वे कोई म्यूटेशन होता है सी सी यू में और ये कन्वर्ट हो जाता है सी 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 में, तो नॉर्मली यदि एक ही कोड एक ही जेनेटिक अमीनो एसिड को डिजिग्नेट करता और एक अमीनो एसिड एक ही कोड से डिजिग्नेट होता, तो इन दैट कंडीशन यदि यू सी ये सी 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 हो जाता तो कोई दूसरा अमीनो एसिड आ जाता, और उस कंडीशन में कोई अबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस हो जाती क्योंकि अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाता। लेकिन यदि ये यू सी से म्यूटेट हुआ तो आप देख रहे हैं सी 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 भी प्रोलिन को ही इंडिकेट करेगा। बाय द वे यदि सी सी की जगह सी की जगह ए आ गया तो भी प्रोलिन ही डिजिग्नेट होगा, ए की जगह जी आ गया तो भी प्रोलिन ही अमीनो एसिड वहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं म्यूटेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इस प्रोलिन पे, यदि केवल लास्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होगा। तो इस तरीके के म्यूटेशंस को हम बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशंस, मीन्स म्यूटेशन तो हो रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर नहीं पहुंच रहा है। तो डीजेनरेसी का नेचर में ये फ़ायदा हुआ कि म्यूटेशंस होते रहेंगे उसके बावजूद कोई उसका इम्पैक्ट अमीनो एसिड के सीक्वेंस पर नहीं पड़ेगा, और उसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर पहले की तरह से बना रहेगा। तो ये है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस of extensive degeneration. If the code were not degenerate, 20 codons, 20 अमीनो एसिड्स को designate करते और 44
चेन टर्मिनेशन का काम करने लगते हैं और प्रोटीन या तो इमेच्योर बनती या फिर उनमें म्यूटेशन होता तो इनएक्टिव प्रोटीन्स बनते। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें म्यूटेशंस की वजह से नहीं हो पाती हैं क्योंकि डीजनरेसी जेनेटिक कोडॉन में प्रेजेंट होता है। दिस इज द होल जेनेटिक कोडॉन विच वॉज गिवन बाय ऑल दो साइंटिस्ट, जैसे आपका निरेनबर्ग बताया, क्रिक का नाम बताया, हर गोविंद खुराना का नाम बताया, इन सारे लोगों ने मिल करके ये एक जेनेटिक कोड तैयार किया जो कि सारे के सारे अमीनो एसिड्स को डिजिग्नेट करते हैं। हेयर ऑल्सो ग्लाइसिन के लिए GGU, GGC। तो इसमें एक और ख़ास बात थी उन्होंने कि चेन प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करने के लिए भी कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस जब भी स्टार्ट होगी वो शुरू होगी AUG से, जो कि नॉर्मली तो मिथियोनिन को कोड करता है, लेकिन जब ये सीक्वेंस में सबसे पहले प्रेजेंट आएगा मींस दिस इज द कोडॉन विच विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये स्टार्ट सिग्नल का काम करता है और जो टर्मिनेशन स्टॉप सिग्नल का काम करते हैं जो जेनेटिक कोड्स वो होते हैं UAA, UAG एंड UGA। ये तीन कोडॉन्स मेन प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करने का, रोकने का काम करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन, यदि ये सीक्वेंस मिलेंगे मींस यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस अब रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। हियर द स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन्स इन यूकेरियोट्स AUG क्लोजेस्ट टू द 5' एंड ऑफ mRNA मॉलिक्यूल फंक्शंस एज स्टार्ट सिग्नल। नॉर्मली प्रोकैरियोट्स में तो एक mRNA पे एक कैप प्रेजेंट होता है, वहाँ से हमारा राइबोसोम चलना शुरू करता है आगे की तरफ और जहाँ पर भी AUG मिलेगा वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। प्रोकैरियोट्स के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर एक स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइंडालगार्नो सीक्वेंस। यहाँ पे एक स्पेस प्यूरिन रिच सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं SD सीक्वेंस। जब ये राइबोसोम चलना शुरू करता है आगे की तरफ तो जहाँ पर ये SD सीक्वेंस मिलेगा उसके जस्ट बाद में जो पहला AUG लगा होगा वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों में ही 5' एंड mRNA के 5' एंड से राइबोसोम्स आगे बढ़ना शुरू करेंगे और जहाँ पे पहला AUG रहेगा वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टार्ट, वहाँ से शुरू हो जाता है। दूसरा एक और डिफरेंस है साइंडालगार्नो सीक्वेंस के अलावा कि प्रोकैरियोट्स में जो AUG को डिजिग्नेट करेगा जो tRNA वो स्पेशल टाइप का tRNA होता है, उसको हम बोलते हैं FMET tRNA। स्टॉप कोडॉन्स जैसा अभी मैंने आपको बताया कि UAA, UAG और UGA, ये तीन कोडॉन सीक्वेंसेस विल फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन या चेन टर्मिनेशन कोडॉन भी इनको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन के सिंथेसिस ब्लॉक कर जाती है। इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई tRNA नहीं प्रेजेंट होता बल्कि कुछ रिलीज फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं कि कहाँ पे UAA कोडॉन प्रेजेंट है और इमीडिएटली दे बिकम एक्टिव एंड टर्मिनेट द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। जैसे आप यहाँ देखिए कि जेनेटिक कोड में एक डायरेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी mRNA किसी भी डायरेक्शन से शुरू हो जाएगा, हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस 5' एंड से शुरू होगा और 3' एंड पे जाकर के कहीं पे ख़त्म होगा जहाँ पे कि स्टॉप कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोट्स के केस में एक साइंडालगार्नो सीक्वेंस है जो सीक्वेंस है AGG AGG CU, ये बहुत ही कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है
और जहाँ पर भी ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, जो राइबोसोम में 16S आरआरएनए प्रेजेंट होता है वो जाकर के इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विल गो एंड ज्वाइन कर लेगा। और उसके आगे धीरे धीरे ये जब राइबोसोम आगे बढ़ेगा तो जहाँ पे पहला AUG कोडॉन मिलेगा वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टार्ट। यूकेरियोट्स के केस में जैसा मैंने आपको बताया कि एक 5' एंड पे mRNA 5' एंड पे एक कैप प्रेजेंट होता है, और उस कैप से जब राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट यहाँ पर भी आगे बढ़ेगा तो पहला AUG जहाँ मिलेगा वहाँ से प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। हियर यू कैन सी, सो इन दिस वे द जेनेटिक कोड हैज डायरेक्शनलिटी आल्सो, मींस प्रोटीन सिंथेसिस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 5' एंड ऑफ द mRNA एंड एंड्स इन द 3' एंड। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल मीन्स जेनेटिक कोड कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, वो प्लांट हो या एनिमल हो, हर जगह यही जेनेटिक कोड सिस्टम ऑपरेट करेगा। हर जगह UUU विल ऑलवेज डिजिग्नेट द फिनाइल एनानिन। इसी तरीके से जो दूसरे कोडॉन्स हैं वो हमेशा उन्हीं एमिनो एसिड को कोड करेंगे, ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स यूज द सेम जेनेटिक कोड विद ए फ्यू माइनर वेरिएशंस इन माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले पाया गया कि वहाँ पे जेनेटिक कोड कुछ जगहों पे फॉलो नहीं होता, कुछ ईस्ट हैं जहाँ पे नहीं फॉलो होता, कुछ बैक्टीरिया हैं जहाँ पे नहीं फॉलो होता है, तो लेकिन हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। और इस यूनिवर्सलिटी का एक फायदा है कि आज जो हम इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूस तो किया जाता है बैक्टीरिया के जेनेटिक सिस्टम को यूज़ करते हुए या बैक्टीरियल सेल में, लेकिन उसको यूज़ कौन करता है? ह्यूमन बींग्स। तो जो प्रोटीन बैक्टीरिया में बन करके आ रहा है वो ह्यूमन की यूज़ में हो रहा है। द यूनिवर्सलिटी अकाउंट्स फॉर द फैक्ट दैट ह्यूमन प्रोटीन सच एज इंसुलिन कैन बी सिंथेसाइज इन द बैक्टीरियम ईकोलाई एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम इट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। यदि ये यूनिवर्सल नहीं होता तो ये संभव नहीं हो पाता कि हम अपने लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकें। एक्सेप्शंस ऑफ यूनिवर्सल कोड, यूनिवर्सल जेनेटिक कोड, कुछ एक्सेप्शंस जैसा मैंने आपको बताया होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में AUA कोड करता है मीथियोनिन को, जबकि नॉर्मली जो इसको कोड करना चाहिए आइसोल्यूसिन के लिए। AUA कोड्स फॉर मीथियोनिन इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि नॉर्मली यूनिवर्सल जेनेटिक कोड सिस्टम में ये आइसोल्यूसिन को कोड करता है। इसी तरीके से UGA इनकोड्स ट्रिप्टोफैन, एक दूसरे अमीनो एसिड को कोड करता है, जबकि ये नॉर्मली स्टॉप कोडॉन्स की तरह से काम है। UGA फंक्शंस एज स्टॉप कोडॉन इन नॉर्मल वे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में UGA ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को कोड करता है। फिर AGA और AGG एक्ट्स एज ए टर्मिनेशन कोडॉन इंस्टेड ऑफ कोडिंग आर्जिनिन। नॉर्मल कंडीशन में तो इसको आर्जिनिन को कोड करना चाहिए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ये टर्मिनेशन कोडॉन की तरह से फंक्शन करता है। सो इन दिस वे वी हैव सीन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड। कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हमने देखे? ट्रिपलेट, क्योंकि ये तीन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनाता है। नॉन ओवरलैपिंग मीन्स एक सीक्वेंस में तीन का ब्लॉक एक अमीनो एसिड को डिजिग्नेट करेगा, फिर अगला तीन दूसरे अमीनो एसिड को डिजिग्नेट करेगा, फिर अगला तीन न्यूक्लियोटाइड तीसरे अमीनो एसिड को। एक ही न्यूक्लियोटाइड बार बार अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए नहीं यूज़ होगा। फिर कामा लेस होता है, मींस इनके बीच कोई कामा कोई ऑब्लिक कोई गैप नहीं प्रेजेंट होता है। डीजनरेट होते हैं, मींस एक अमीनो एसिड मे बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, एक से ज़्यादा कोडॉन पॉसिबल है एक अमीनो एसिड के। अनएम्बिगुअस होता है, मींस एक अमीनो एसिड हमेशा एक ही कोडॉन से डिजिग्नेट होगा। ऐसा नहीं कि प्लांट्स में तो वो कोडॉन कोई दूसरा है और हमारे में कोई दूसरा है। ऑर्डर्ड मींस ये 5' से 3'
डैश डायरेक्शन में अरेंज होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। हर एक स्टार्ट कोडॉन होता है, हर एक सीक्वेंस में एक स्टार्ट कोडॉन होता है, नॉर्मली वो ए यू जी होता है, और तीन स्टॉप कोडॉन्स पॉसिबल हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो तीन स्टॉप कोडॉन्स हैं, वो यू जी ए, यू ए ए और यू ए जी। फिर जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, मीन्स इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक द सेम जेनेटिक कोड ऑपरेट्स, वो बैक्टीरिया हो या एनिमल हो या प्लांट हो, वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस द सेम जेनेटिक कोड ऑपरेट्स। सो इन दिस वे वी केम टू एंड ऑफ द जेनेटिक कोड, और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ऑन द यूट्यूब। थैंक यू।